सेट एडजस्ट करनी है, सेट को मैनेज करो, उसके बाद सीट बेल्ट लगाएंगे ना। सीट बेल्ट को अच्छा ये सॉरी सीट एडजस्ट होगी प्रॉपर्ली, क्लच वगैरह दबाना में आसानी हो रही है आपको? हाँ। क्लच एक बार प्रेस करके देखो, अब एक सामने जैसे सडनली ये गाड़ी खड़ी है, हाँ। है ना, गाड़ी के सामने जो दोनों पहिए हैं, अगर ये पहिए दोनों नहीं दिख रहे होते अपने को, तो अपने को जस्ट गाड़ी बैक में लेनी होती, ठीक है। बैक में लेके थोड़ी फिर अपने को खड़ी गाड़ी को थोड़ी बैक में लेने के बाद जब उसके टायर दिखने लग जाते हैं, थोड़ी डिस्टेंस मैनेज होने लग जाती है, उसके बाद खड़ी गाड़ी में पहले स्टीयरिंग घुमानी है, ठीक है। आइडिया से जैसे टू राउंड में गाड़ी पूरी घूम जाती है, है ना, तो एक राउंड घुमाते जैसे ही गाड़ी मूव होने लगेगी, गाड़ी अपनी साइड पकड़ेगी तिरछी दिशा, ठीक है। तिरछी दिशा पकड़ने के बाद अपने को एंड टू एंड सीधी करके वापस अपोजिट साइड में एक राउंड काट के गाड़ी को पहले स्टेट लेवल पे करना, फिर स्टेट कर लेना, तो उस बीच में कोई ज्यादा समय नहीं लगाना आप, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगता आपको स्टीयरिंग? गाड़ी ऑफ रहेगी तो हार्ड ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पावर के ऊपर चलती है स्टीयरिंग ब्रेक सब चीजें। अच्छा। अभी गाड़ी ऑफ है इसलिए स्टीयरिंग हार्ड हो रही है, ठीक है। अब जैसे अपन क्लच दबाएंगे पहले, ठीक है, क्लच पैर का कौन सा वाला हिस्से से दबाना है? आगे वाला है ना, तो अपने को शायद मेरे हिसाब से थोड़ा और आगे करो, सीट थोड़ी हल्की सी आगे ले लो, ठीक है। सीट बेल्ट दबो, सीट बेल्ट तो नहीं खुली वापस? नहीं खुली। अब क्लच दबो, पहले आसानी से दब रहा था या अब आसानी से दब रहा? अब आसानी से दब रहा। बस तो राइट वाला पैर ब्रेक और रेस पे मूवमेंट करो, हो गया। अब अपना को क्लच दबा के न्यूट्रल वगैरह चेक कर लो और गाड़ी ऑन कर लो। न्यूट्रल कैसे चेक करते हैं? गियर का लेफ्ट और राइट में प्रेस करते हैं, हाँ, ठीक है। बाकी अगर यही चीज गियर में होती तो नहीं पता चलता, है ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट में ही होता है कि लेफ्ट साइड में तो दो गियर लगता है, राइट साइड में रिवर्स और पांचवा लगता है, सेंटर में तीसरा और चौथा लगता है, ठीक है। चलो ऑन करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्लच दबा लिया? हाँ। क्योंकि क्लच में अगर हल्का सा भी डैमेज रखा आपने, क्लच को हल्का सा भी लूज रखा, तो गाड़ी ऑन नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ पावर क्लच पे डिपेंड करता है। गाड़ी ऑन करने से पहले क्लच इसलिए दबाना होता है आपने। क्यों नहीं हो रही है भाई? चाबी को राउंड करो ना, करो। लगाने के बाद चाबी को आगे करना हल्के हाथ से, क्योंकि आप बॉडी में जितनी हार्डनेस लाओगे उतनी वो लॉक हार्ड होती जाएगी। पीछे क्यों करो, आगे करना है, आगे यूं अंगूठा ऊपर आगे घुमा रही हूं, घूम ही नहीं रही है। यहां आसान तो है घुमाना, अब आप तो खुद से इतना जोर लगा रहे हो, यूं करोगे तो नहीं होगा, ये हल्के से यूं दबा के इसको करना पड़ेगा, यूं दबा के फिर आगे करनी पड़ेगी, ये यूं करके ये यूं, ठीक है। हाथ पैर जितने स्मूथ रहेगा उतना ही बेटर एक्सपीरियंस है। करो ऑन। वो तो डस्ट के हिसाब से आई है, ठीक, अपने हिसाब से नहीं आई, वो एकदम से एसी चली तो एसी ब्लोअर में डस्ट पड़ा हुआ था, ठीक है। ऑन करो। अब अपना क्या करना, राइट वाला पैर कहाँ है, लेफ्ट वाला पैर कहाँ है? लेफ्ट वाला रेस पर है और राइट वाला लेफ्ट वाला उस पे एक्सेलरेट उस पे क्लच पे और राइट वाला रेस पर था। अब क्या अपने गियर डालूं? फर्स्ट गियर डाला, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अपने को अब खड़ी गाड़ी में स्टीयरिंग का आइडिया लो सबसे पहले, तो जैसे गाड़ी के पहिए सीधे है नहीं है क्या मालूम है, तो गाड़ी को किसी भी एक साइड में पूरा राउंड काट लो स्टीयरिंग का हथेली के बल से। हथेली से नहीं होता, हथेली से करो ना प्रयास, क्यों नहीं होता, ये होता है। पूरा हाथ फ्री कर लो, यूं स्ट्रेट कर लो हाथ को, हाँ, घुमो उसको पूरा पूरा घुम गया, एक घूम गया, घुमाते जो जब तक स्टीयरिंग नहीं रुका है, ये आइडिया है, ये गाड़ी का स्टीयरिंग रुक गया है। अब इस वाली चीज को सेंटर में लेकर जाओ दो बार, हाँ, फटाफट एक राउंड हो, बस दो में हो गई। अब ये टायर जैसे गाड़ी के सीधे हैं, ठीक है, यही पोजीशन अगर गाड़ी मान लो एक राउंड राइट में कटा हुआ होता और आप सीधा करने के लिए लेफ्ट में काटते तो थ्री राउंड कटता, सेंटर अच्छा। से जस्ट दो राउंड उस साइड में कटेंगे, दो राउंड इस साइड में कटते हैं, ठीक है।
समझ में आया? नहीं आया। एक राउंड में इतना टायर घुमा, अच्छा। दो राउंड में इतना घुमा, ठीक है। अगर ये यू पड़ी होती तो अपनों क्या मालूम, है ना? ये लेफ्ट में कटती है, ये राइट में कटती है, और सेंटर में सीधी रहती है, तो एक दो ये सीधा हो गया टायर, एक दो ये टेढ़ा हो गया टायर, एक दो ये सीधा हो गया, तो गाड़ी हमेशा सेंटर में सीधी चलेगी, बाकी दोनों साइड में एक टू टू राउंड रहेंगे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आया था अपन, फर्स्ट गियर लगा दिया, हैंड ब्रेक डाउन करो, हैंड ब्रेक, अच्छा हल्का सा ऊपर जोड़ लेंगे, फिर बटन प्रेस करेंगे, हाँ ठीक है। नीचे पूरा डाउन करना, पूरा बटन दबा गई बस, ठीक है। अब फर्स्ट गियर लगा रखा अपन ने, अब एक राउंड स्टीयरिंग का काट लो जिससे टायर तिरछे हो जाओ और गाड़ी की बॉडी उस साइड में चले, हाँ ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, आप क्लच ले, नहीं नहीं नहीं, ओ सॉरी, वो रेस पर चला गया, नहीं रेस पर चला नहीं गया, अपन मैंने किया, हाँ मतलब मैंने किया। अब पीछे देखो, पीछे से व्हीकल कितना आ रहा है, मिरर सेट नहीं किया आपने, मिरर सेट कर लिया, मिरर तो सेट ही था आपका। अब पहले हाफ क्लच रिलीज करेंगे, जैसे ये वाइब्रेशन है ना, ये वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन के बाद क्लच को बहुत धीरे से हल्के हल्के छोड़ना, अगर जरूरत पड़े तो वापस दबा देना, ठीक है। अब वापस लेफ्ट में काट लो फटाफट, एक राउंड दो राउंड काट लो, बस कट गए। अब एक राउंड में सीधी कर लो फटाफट, बस हो गई हो गई। एक राउंड मतलब, अच्छा। एक राउंड तो अपन ने गाड़ी को तिरछा करने के लिए लिया था, और एक राउंड में वो सीधी, और दूसरे राउंड में गाड़ी वापस अपने स्टेट, अपना मतलब रूट पकड़ा गाड़ी में, क्योंकि अपने को चलना तो सीधा था, उस गाड़ी को बचाने के लिए अपन ने एक राउंड काटा था, ठीक है। अब सामने से आने वाला व्हीकलों का आइडिया कैसे लेना आपको, जैसे उसको आना दो पहले, तो है ना, उनके नजदीक चल के ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि सामने वाला भी रिएक्शन देगा ही देगा। अब क्लच दबा के सेकंड गियर शिफ्ट करो, क्लच सेकंड गियर, क्लच को रिलीज करो धीरे धीरे, हाँ ठीक है, ये पोजीशन रखनी है। अब ये बताओ कि इसमें नहीं तो आपके डर है, अपने को केवल सीखना है ना, डर रखना ही नहीं है किसी चीज़। मैं वो खड्डा बचाना चाह रही थी एक्चुअली। तो एक खड्डा बचाने से पहले ग्लास मेंटेन करा करो, क्योंकि क्या बताओ, उस खड्डे को बचाने के चक्कर में आपके पीछे से कोई, बगल में कोई व्हीकल खड़ा हो, है ना। अब जैसे भीड़ भाड़ का लगा रहा है तो क्लच दबाओ, सबसे पहले क्लच दबा लिया, क्लच दबाने से क्या हुआ, इंजन वर्किंग करना बंद कर दिया इंजन। अब अपन अगर ब्रेक भी लगाते हैं तो गाड़ी ऑफ नहीं, आप क्लच छोड़ो धीरे 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 धीरे, हाँ दो हाथ से प्रयास करना बंद कर दीजिए, है ना, हाथ वहीं रहना चाहिए एक ही जगह, और रखो हाथ को सही जगह लेके जाओ, अब यहाँ से हाथ हिलना नहीं चाहिए। अब देखोगे अब आपको क्लच ब्रेक कहाँ कहाँ दबाना है, जहाँ जहाँ अपने को डर लगे, या जहाँ जहाँ अपने को खड्डा बचाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मनुष्यों को और व्हीकलों को और सड़क पर चल रहे हुए प्रति व्हीकल पर बैठे हुए लोगों को बचाना जरूरी है ना। जैसे मान लो ये कार अभी थोड़ी सेंटर में होती है और यहाँ खड्डा, तो खड्डा बचा पाएंगे अपन, उस खड्डे से अगर आप धीरे होकर निकल जाते हो तो गाड़ी अलाइनमेंट खराब नहीं होता, अलाइनमेंट भी खराब नहीं होगा, प्लस आपकी गाड़ी के केचीस होकर डैमेज नहीं होंगे, प्लस आपकी डिस्क जो जिस पर टायर लगा हुआ होता है वो डिस्क बेंड नहीं होगी, है ना। और जैसे ऑटो क्रॉस हो रहा है ना, तो आप क्लच दबा लो पहले, बस क्लच दबा लिया, क्लच दबाने से एकदम तो नहीं रुकी गाड़ी, लेकिन धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो गई। अब वापस क्लच को रिलीज कर दो, डिस्टेंस मेंटेन होते ही वापस चलना शुरू हो जाना, है ना। तो क्लच भी कहीं भी दबाना पड़ सकता है, ब्रेक भी कहीं भी दबाना पड़ सकता है, उसके लिए क्या है, अपना फ्री होना जरूरी है, क्योंकि स्थितियों को कौन कवर करेगा, अपन ही करेंगे, अपन ही करेंगे। तो अपन ही अगर माइंड से फ्री नहीं रहेंगे तो फिर कवर तो होगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, है ना। अब एक पहली चीज, जैसे लेफ्ट में कार है, वो कार की दूरी है, तो अपन इसको हल्का सा क्रॉस करके वापस लेफ्ट में उतना ही काट के गाड़ी स्ट्रेट दिखते लग जाओ, वहाँ पे स्ट्रेट कर लो स्टीयरिंग, ठीक है। कभी भी स्ट्रेट रोड पे जब अपन टर्निंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे टर्निंग करते वक्त अपन गाड़ी को सीधी करने के लिए अपने को अपोजिट साइड में उतनी टर्न करनी होती है, जैसे राइट में थोड़ी काटी तो वापस लेफ्ट में उतनी काट के फिर सीधी करनी, अच्छा, क्योंकि फिर बाकी स्ट्रेट कैसे रहेगी, वो स्कूटी वाला हिसाब, स्कूटी वाला हिसाब किताब है ना। अब यहाँ पे वापस क्लच दबाओ, पहले पूरा प्रेस कर लो, क्लच दबाने से गाड़ी का इंजन फ्री हो गया। अब अगर आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी से इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ नहीं होगा, समझ गए। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो धीरे धीरे, हाँ बस अब गाड़ी को घुमाओ, हथेली से घुमाओ, हाँ घुमाओ घुमाओ घुमो एक, अब देखो गाड़ी घूम गई ना एकदम, अब सीधी कर लो फटाफट फुर्ती से, बस इसमें भी ये फिक्स नहीं था कि कितनी काटने पर कितनी घूमी गाड़ी, बस घूमनी चाहिए गाड़ी, है ना। अब स्कूटी में यही एक राउंड में घूमती गाड़ी, तो ये दो राउंड में घूमी, क्यों घूमी, क्योंकि इसकी चौड़ाई है, दो टायर है इसमें आगे, और स्कूटी में एक टायर ही होता है, इसलिए समझ में आ गया, ये राउंड का है क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जैसे हल्की फुल्की टर्निंग है, किसी चीज़ को बचाने के लिए अपन काट रहे हैं तो हल्की सी काट लो, हल्की सी इधर कर लो, ये चीज़ फील करने वाली है ना। उसके बाद आया था अपन, जैसे वही कौन से गियर में चल रहे हैं अपन, सेकंड में, सेकंड में, बस ये चीज़ें याद रखनी, गियर हमेशा कोई भी परिस्थिति के हिसाब से नहीं लगेंगे, गियर स्पीडोमीटर के हिसाब से लगेंगे, जैसे जैसे आप रेस बढ़ाओगे, भले वो मार्केट हो, खाली रोड हो, गली हो, कुछ भी हो,
है ना, गियर केवल स्पीड बढ़ेगी तभी बढ़ेंगे और घटेगी तो घटेंगे, बाकी स्थितियाँ ऐसे मैनेज करनी है। जैसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या रहता है कि भीड़ में कंट्रोलिंग कैसे करें, जैसे एक कार आ गई एकदम से सामने है ना, क्लच दबा लिया है ना, अब अपने फर्स्ट गियर ले लाना क्योंकि गाड़ी बिल्कुल रुक गई है, अब डरना नहीं है, आप क्लच रिलीज करके रखना बस, अब इस आप क्लच पे रखनी है अपनों गाड़ी, गाड़ी तो मूव हो ही रही है ना, अभी अगर यही अपन गाड़ी के चलने के साथ क्लच नहीं छोड़ेंगे तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी क्योंकि गाड़ी प्रॉपरली तरीके से मूवमेंट नहीं पकड़ पाएगी है ना, अभी अपन फ्री हो गए अब क्लच दबा के सेकंड लगा लो फुर्ती से बस, अब धीरे धीरे क्लच को छोड़ो और हल्की सी रेस मेंटेन करो बस, ये चीज़ है, पांच चीज़ें हैं, क्लच ब्रेक रेस और स्टेरिंग, बाकी सारी चीज़ें एक फिजूल की है, जैसे म्यूजिक सिस्टम हो गया, हॉर्न हो गया, इनके सबके लिए वर्कर बैठा है, जैसे हॉर्न बजाना हो तो फिर नीचे करो हाथ बस, तो यहाँ से हाथ हिलना ही नहीं चाहिए कभी भी, आपको स्टेरिंग अपोजिट साइड में जैसे हल्की फुल्की मत ही अपन पकड़ के घुमा पा रहा है, लेकिन कहीं ज़्यादा घुमाना पड़ गया तो अपने को फिंगर फ्री कर लेना सारा, जो कि ये फिंगर क्या होंगे कि इस स्टेरिंग के अंदर नहीं आएंगे तो स्टेरिंग में अपने को घुमाने में अड़चन नहीं आएगी, ठीक है, और पकड़नी नहीं है इसको, फ्री कर लेना, क्योंकि फिंगर का मेन काम क्या है, इंडिकेटर वगैरह देना ही है ना, बाकी हाथ को आप यूं ही पकड़ के रखो, रेस पे थोड़ा नियंत्रण, अगर अपन नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो रेस बढ़ रही है तो उसको समझना भी है कि रेस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि समझना जरूरी है, राइट साइड में देखो व्हीकल आ रहा है क्या, तो आ रहा है तो आप अपनी साइड पकड़ो, राइट साइड में ही चलना, तो हाँ ताकि वो लेफ्ट से निकला, आप लेफ्ट वाला मिरर में देखो वो लेफ्ट में आ गया क्या, आ गया निकल गया, बस ये चीज़ है, जिस साइड में आप चल रहे हो उससे अपोजिट साइड में ही व्हीकल निकल पाएगा, बाकी तो निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए अपने को लेफ्ट में चलना होता, तो आप बताओ लेफ्ट वाली साइड सेफ होती है ये वाली, होती तो ये वाली है, कौन सी, राइट वाली, क्यों, क्योंकि अपन अपनी साइड नहीं छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली, लेकिन सामने जैसे गाय आ गई, वो आई थी अभी, ये गाय इधर होती तो अपने को ज्यादा डर नहीं लगता क्योंकि वो विकेट वो मिरर देख लेता है, पर लेफ्ट वाला मिरर देखने में थोड़ा हार्ड पड़ता है, भैया आप मेरे से कुछ बोल रहे हो ना, अभी मेरे थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है तो फ्री माइंड है, कुछ नहीं है, कारण तो रहता है, धीरे धीरे रहेगा, धीरे धीरे खुलेगा, अब इसमें कोई डिक्लेरेंस क्लियर किया आपने कि भाई अब क्या करें, कल से आपकी गाड़ी पर करें तो बढ़िया है या इसी से करूँ कोर्स, करना तो अल्टीमेटली मेरे को मेरी गाड़ी से ही है, अब क्लच दबाओ तीसरा गियर शिफ्ट करो, भाई आपकी गाड़ी में मैं बैठा रहूंगा, क्लच पूरा प्रेस करो, हाँ बस चलना तो चलना, तो लग गया गियर, अगर आप हल्का सा डैमेज रखते तो गियर लगता ही नहीं, पहली बात वो गियर हार्ड आया था आपको लगा, हाँ। फील हुआ, हाँ। बस देखो गाड़ी ज़्यादा अपोजिट साइड में जा रही है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि अपन प्रॉपरली एक सेंटर में स्टेरिंग को नहीं पकड़ रहा है, बार बार हिला रहे हैं, जैसे इसको स्टेरिंग को छोड़ो, छोड़ दो स्टेरिंग, हाँ छोड़ दो, आप देखो ये गाड़ी कहीं जा रही है क्या, मतलब नियंत्रण अपने हाथ में नहीं हो पा रहा है ना, समझ में आ गया, क्योंकि अपन क्या गाड़ी चल रही है तो अपन हल्के फुल्के गड्ढों को भी बचाने के लिए गाड़ी को कुछ ज्यादा अपोजिट साइड में काट रहे हैं, और काट के क्या कर रहे हैं, जैसे राइट में काटी और फिर यही सीधी कर ली तो गाड़ी तिरछी जाएगी, अपन हैंड टू हैंड लेफ्ट साइड में नहीं काटी, अच्छा आगे समझ में बात, जितनी इधर घुमाइए उतनी उधर घुमा, लेकिन फुर्ती रखनी है उसमें, जैसे क्लच दबाओ यहाँ पर, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया चारों तरफ से पब्लिक आती है यहाँ पर ना, हल्का ब्रेक लो, अब ये जब ब्रेक लोगे ना आप हल्का, बस ब्रेक छोड़ दो, अब सेकंड गियर शिफ्ट करो, न्यूट्रल करके लेफ्ट साइड में दबा के, लेफ्ट साइड में दबा के, लेफ्ट साइड में दबाओ न्यूट्रल करके, न्यूट्रल करो आराम से, हाँ चलो चलना, तो ठीक है, बाइक वालों को देखो मत, इधर देखो आपकी गाड़ी को सेफ करो, है ना, क्योंकि बाइक वाला वैसे ऑलरेडी सेटअप में, मुझे लग रहा था वो कहीं चल नहीं दे, तो सबको अपने अपने जीवन की चिंता है कि नहीं है मुझे बताओ, है मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं करेगा ऐसी गलती, तो किधर लेनी है, राइट, पहले तो क्लच दबा लो पूरा, क्लच दबा लिया पूरा 100%, अब ब्रेक लो 20%, अब बस अब ब्रेक को रिलीज करो, उधर काटना शुरू हो, कोई बात नहीं, आज जैसे एकदम से यहाँ ब्रेक लगाया आपने पीछे देखा मिरर में, अरे वो एक्चुअल में हुआ क्या कि मैंने, चलो कोई बात नहीं छोड़ो, पसीने हटो, ब्रेक छोड़ो, आप क्लच रिलीज करो आधा क्लच, जिससे गाड़ी की हल्की हल्की मोमेंटिंग चल लो, बस लाइट मोमेंटिंग, हाँ बस, अब हल्की सी रेस दे दो क्योंकि चल रही है, नहीं नहीं दूंगी अभी, अरे तो देनी पड़ेगी ना, नहीं दोगे उससे काम थोड़ी चलेगा, हाँ चलो 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 चलो, हाँ आप क्लच रिलीज करो, हल्की सी रेस देनी है, गाड़ी घुमाओ राइट में काट लो फटाफट, एक हाथ से काटते तो बढ़िया रहता ना, अपने को इतना समय मिल रहा है, मैं बैठा हूँ ना, फटाफट अतली बस, तो ये तरीका सही था, वो तरीका सही था, चलो हल्की सी रेस मैनेज करो, लाइट बस सेकंड गियर शिफ्ट करो आराम से, हाँ आराम से शिफ्ट कर लो, बस शानदार, अब कभी भी चौराहे पर क्रॉस होते वक्त आपको डरना नहीं है, इंडिकेटर बंद कर लो,
इंडिकेटर बंद करने का, चलाने नहीं का, तो डर होता ही है, हड़बड़ाहट होती है। अब जो ये स्लिम रोड पे भी यही चीज हो रही थी, क्योंकि वहाँ व्हीकल नहीं थे, यहाँ व्हीकल थे, तो व्हीकलों को देख कर डरना थोड़ी, वहाँ तो मैनेज करने का टाइम आ जाता है, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे तभी तो प्रैक्टिकल यहाँ होगा। और जब क्लच छोड़ने के साथ रेस इसलिए देनी होती है कि रेस देने से गाड़ी का आरपीएम पावर थोड़ा मजबूत हो जाता है, ठीक है, रेस पावर क्लच छोड़ने के साथ रेस देने से गाड़ी थोड़ी आसानी से मूवमेंट कर ले और फुर्ती रख लेती है मूवमेंट उड़ने। सेंटर वाला ग्लास सेट है क्या आपका? हाँ कर दिया अभी, खराब। तो अभी क्यों करा, पहले बैठे तब क्या कर रहे थे अपन? बैठे तब वो दाएं बाएं को देख के रह गई। दाएं बाएं नहीं, सेंटर वाले को देख के दाएं बाएं में अनुमान लगेगा। अब जैसे क्लच दबो, ब्रेक लगाओ हल्का हल्का, ये तो 10% है ना, छोड़ दो ब्रेक को, रेस पे बैठ लो, अब क्लच रिलीज करो और हल्की सी रेस दो, क्यों हल्की सी, जैसे दूध में शक्कर डालते हैं अपन, वैसे ही है रेस का और क्लच का काम, क्लच ज़्यादा छोड़ना होगा और रेस नियमित रूप से हल्की सी देनी होगी, ठीक है। अब जैसे वापिस क्लच दबाओ, अब थोड़ा ब्रेक लो, हाँ धीरे धीरे, 10% ब्रेक है ना, ब्रेक को छोड़ो, रेस पे पेड़ लो, हाँ, तो कहीं भी अपन चौराहे पर क्लच छोड़ो ना, क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी मूव होगी, हाँ बस। अब और कहीं भी अपने को ब्रेक लगाना पड़ता है तो ब्रेक लगाने के लिए सिचुएशन क्या होगी, जैसे चौराहे आया, ये सामने चौराहे आ रहा है ना, तो इसमें पहले से दूरी से जो भी व्हीकल दिख रहे हैं आपको, वो व्हीकल देख के आप कुछ क्लियर नहीं कर पाओगे, तो पहले नज़दीक चलना अपने को, है ना, पहले तो नज़दीक चलो। अब नज़दीक चलने के बाद रूट क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, अगर यही आप वहाँ से स्पीड से पहुँचते यहाँ पे तो क्लियर नहीं होता रोड, है ना, चलने दो। देखो अब अपने को हल्की सी रेस मैंने रखनी है ना, ऑटो वालों को मत देखो, ऑटो वाले से अपन क्रॉस हो सकते हैं, अपनी रेस बढ़ा के, रेस बढ़ाओ, ऐसे डर खुलेगा। अब रेस बढ़ी, बढ़ने के साथ क्लच दबाओ, रेस छोड़ो, रेस छोड़ो, सबसे पहले क्लच दबाओ, तीसरा गियर शिफ्ट करो, बस अब क्लच छोड़ो। अब बताओ आप वर्किंग करना सही था या यहाँ पर डरना सही था? क्लच रिलीज कर दिया आपने, अब स्पीड कौन किसको मैनेज करनी है? अपने को मैनेज करनी है, क्योंकि फर्स्ट गियर में अपने को बहुत कम जगहों पर रेस देनी पड़ेगी, बाकी आप क्लच छोड़ने के साथ भी गाड़ी को मूव करा सकते हो, लेकिन वो क्लच का सेटअप समझना आपको। क्लच अपन खड़ी गाड़ी में एक जगह छोड़ देंगे तो गाड़ी झटका करके वापस बंद हो जाएगी, क्योंकि मोमेंटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, है ना। अब जैसे गाड़ी की स्पीड क्या है और गियर कौन सा है, स्पीड डाउन हुई तो अब अपने को क्या करना है, आराम से आसानी से क्लच दबाओ, सबसे पहले सेकंड गियर शिफ्ट करो, हाँ रेस से पैर हटा लिया, रेस पे अब रेस देनी थी आपको, क्योंकि क्लच छोड़ोगे तो रेस देनी है, क्लच दबाओगे तो रेस ऊपर होगी, अपोजिट साइड का, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन अपोजिट है ना, क्लच और रेस का। जैसे दूध डालने के बाद अपन शक्कर डालते हैं ना, वैसे ही इसमें वो वाला सिस्टम है कि क्लच दबाने के साथ रेस छोड़नी है और क्लच छोड़ने के साथ रेस दबानी है, मतलब दूध को गिलास में लेते वक्त लेने के बाद शक्कर डालनी है, आगे बात समझ में। तो शक्कर क्या है, रेस, और क्लच क्या है, दूध, है ना, और इन दोनों को धोने की, धोने का साधन क्या है, ब्रेक, है ना। अब रेस पे थोड़ा नियंत्रण रखेंगे, गाड़ी अगर रुक रही है नहीं रुक रही है ये तो नजदीक चलने के बाद आइडिया लगेगा, क्योंकि माइंड डिटी तो आप नहीं पढ़ पाओगे, अपन जानते हैं भगवान तो है नहीं जो उसको माइंड पढ़ ले, लेकिन उसके चलने पे अपनों को डिसाइड कर लेना है। जैसे बाइक वाला चाहता था निकल सकता था, तो अपने पास एक ऑप्शन तो था ना कि गाड़ी की स्पीड के ऊपर अपन ब्रेक लगा सकते थे, अगर ये ज़्यादा स्पीड होती तो वो वैसे निकलता ही नहीं और निकला भी नहीं वो, लेकिन मैच्योरिटी कम है वैसे लोगों में, अरे चलना भाई, चलना नहीं, वो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था, वो अपनी गाड़ी के लेवल तक आया, फिर उसको पीछे दिखा कि पीछे भी गाड़ी आ रही है इसलिए वो पीछे हट गया। तो जब कोई क्रॉस हो रहा होता है तो आपको क्या करना है, पहले मिरर देखना है कि मेरे पीछे ऐसा व्हीकल तो नहीं आ रहा जो मुझे फटाफट क्रॉस करने वाला हो, उस आधार पर उसको बचाना सामने वालों को। आगे समझ में बात, क्योंकि अपने को क्या मालूम है, जैसे पीछे वाला ध्यान ही नहीं दे रहा होगा अपने आगे कोई क्रॉस हो रहा है, तो अपन तो ध्यान देवे उस पर, हल्की सी रेस मैनेज करो, हल्की सी केवल टच करके पैर को स्टेचू भी करना, दबाते हुए मत जोर, बस। अब जैसे व्हीकल के पास पहुंचे
तो इसका आइडिया आ गया कि ये व्हीकल अपनी गाड़ी से दूर था, तो किसी भी चीज़ का आइडिया लेने के लिए उसके नज़दीक चलना है। मैंने आपको कल लिंक भेजा, आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया? वो मैंने हाँ उसको डाउनलोड तो किए थे वीडियोस को भैया, लेकिन कल क्या है सैटरडे था ना तो वो कोई सब्सक्राइब किया नहीं किया। अपने मिलने वालों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना कर, और इसमें अपने को मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डालता हूँ, और क्या क्या चीज़ें क्लियर है जो आप शांत माइंड से घर बैठ के समझ सको, वो चीज़ें आपके वीडियो में भी अपन क्लियर कर सकते हैं, समझ। जैसे ये सारी वीडियो हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, अभी जो भी अपन वर्किंग कर रहे हैं, जैसे ये सामने ऑटो आ रहा है तो इसके नज़दीक चलो, चलने दो, आप राइट में काटो थोड़ी, क्योंकि ऑटो चलने लग गया, चल गया ना, ठीक है। उसके बाद क्लच छोड़ने के बाद गाड़ी नहीं क्या कर रहे हो ये? थर्ड नहीं, थर्ड गियर क्या कब लगता है? थर्ड थोड़ा सा जब चलूं। अब देखो ये बाइक भी टेम्पो वाले सारे खड़ी थी, हाँ, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे। थर्ड गियर तब लगता है जब आपकी आरपीएम रेस बढ़ेगी तो ही गियर लगेगा, समझ में आ गई आपको बात? अच्छा ठीक है, जब गाड़ी को और ऊंची उठानी होगी, हाँ, तो थर्ड गियर लगेंगे। बाकी आप रेगुलरली एक ही स्पीड पर चलते हो तो आपको गियर बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी प्रॉपर कार सेट है कि नहीं है मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हाँ बराबर है, मेरे को पीछे पूरा क्लियर दिख रहा है, इसको ज्यादा सही था। हाँ आराम से रिलैक्स माइंड, क्योंकि सारी चीजें कंपलसरी जरूरी है ना। अब जैसे ये गाड़ी रेस पे चल रही नहीं रही है ना, अभी अपन 20 गियर पे 20 की स्पीड पे मैनेज करके चल रहे हैं, अगर आप रेस छोड़ देते हो तो गाड़ी झटके खा के बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि क्लच का काम तो हो गया, गाड़ी को चाल दे दी, अब चाल में पावर किसको डालना है? गियर को, गियर को नहीं रेस को। अच्छा हाँ। ये खड्डे आ रहे हैं, इसको तो बचाऊंगी। बचाने के लिए लेफ्ट वाला मिरर देखो, कोई नजदीक तो नहीं है ऐसा व्हीकल जो उससे नुकसान हो जाओ अपने। अब आप इस बचाने के लिए लेफ्ट में काटा था उतना ही राइट में काट के फिर फटाफट सीधी कर लो बस। अब रेस मैनेज करो। हाँ बस रेस मैनेज हो गई, अब अपने को क्या करना है? क्लच दबो, थर्ड गियर डालो, सीधा जाना दो स्टेट स्टेट बस। अब क्लच छोड़ो, क्यों लगा गियर? क्योंकि अपन ने रेस बढ़ा दी थी है ना, और बढ़ाने के बाद गियर फुर्ती से लगाना है। अगर अपन 5 सेकंड 10 सेकंड लगा देते तो स्पीड तो वापिस वो की वही रह जाएगी, है ना, क्योंकि क्लच दबाने के बाद रेस काम में आएगी क्या? क्लच दबाने के बाद रेस काम नहीं आएगी, तो क्लच छोड़ने के साथ ही रेस का काम है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ चौराहे आ रहा है तो पहले तो आप चलते रहो, रेस प्रॉपरली मेंटेन रखो, रेस डाउन मत करो, नहीं रेस डाउन मत करो, हर चीज रेस पे चलते रहो, 30 की स्पीड पे चलते रहो, चलते रहो ना 30 की स्पीड पर, धीरे धीरे आराम से। अब देखो यहाँ अतली बनाने की जरूरत थी क्या आपको? हाँ। नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि राउंड पूरा नहीं घूम रहा था, हाथ से हो जाता। हाँ इसके पीछे से बस ये आइडिया, बस चलना तो भाई स्पीड डाउन नहीं करनी। देखो दुख 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 ठुक जाएगा। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी नहीं, इसे घबराना नहीं है। सॉरी सॉरी किसको कहा? किसको मुझे समझ में नहीं आ रहा, सॉरी किसको कहा? पर